तो ये खड़ी अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस और ये जो आप लाइन देख रहे हो बैगों की भाई ये लग रही है जनरल डिब्बे की। दोस्तों इस ट्रेन का नाम है विक्रमशिला एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर 12367। ट्रेन पहुंची है बाढ़ रेलवे स्टेशन पे और यहाँ मतलब लाइन तो लगी रही थी, साथ में लोगों को टोकन दिया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमें ट्रेन जर्नी होने वाली है वो होने वाली है बिहार के भागलपुर से लेकर दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल। दोस्तों इस ट्रेन का नाम है विक्रमशिला एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर 12367। तो एक बात बता देता हूँ, ये ट्रेन चलती है रोजाना दोपहर के 12 बजे भागलपुर से निकलने के बाद आपको अगले दिन सुबह 7:20 पर आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन पहुंचा देती है। तो फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। वैसे अपनी ट्रेन निकलती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से और यहाँ पे आ रही मालगाड़ी वगैरह आ रखी है। अभी ट्रेन अपनी यार्ड के अंदर खड़ी है तो जैसे आएगी हम आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे दुखद सूचना है कि हमने एक हफ्ते पहले टिकट बुक की थी लेकिन टिकट बुक बिल्कुल भी नहीं हो पाई। अब हम यात्रा करेंगे इस ट्रेन के जनरल क्लास के अंदर, देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि जनरल के कोच इसके अंदर ओनली 2 ही कोच है और वहाँ पर ऑलरेडी लाइन लग चुकी है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना है कि जनरल क्लास के लिए चढ़ने के लिए भी लोगों को लाइन लगाना पड़ता है, तो समझ नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। तो इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिना बिल्कुल मत जाना। तो देख सकते हो ट्रेन अपनी आ रही है सामने और यहाँ पे मतलब लाइन तो लगी रही थी, साथ में लोगों को टोकन दिया जा रहा है। ये जो पुलिस वाला खड़ा है ये सभी को टोकन दे के सभी को बारी बारी अंदर चढ़ाएगा ट्रेन के अंदर। भाई पहली बार ऐसा सिस्टम देख रहा हूँ। वैसे ठीक है ये चीज़, तो बहुत अच्छी बात है, लोग लाइन से लगेंगे आराम से बैठेंगे। सिस्टम जिंदगी में पहली बार देखा है लेकिन पता नहीं भाई, हमारी टिकट तो ऑलरेडी वैसे जनरल की आई, हमने कुछ टोकन वगैरह कुछ नहीं लिया। तो देखते हैं कैसे इस ट्रेन के अंदर हम चढ़ते हैं, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। दोस्तों आ चुकी है अपनी ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और देखते हैं इधर साइड से रास्ता होगा तो हम ज़रूर चढ़ेंगे। शायद सारे गेट बंद लगे हैं, मेरे हिसाब से तो बंद हो रखे सारे गेट, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। तो भाई बड़ी मुश्किल से स्लीपर के अंदर चढ़े अभी और इस साइड से पूरा रास्ता खाली पड़ा है, सामने देख सकते हो खाली हो रखी है। तो इधर से एंट्री करेंगे अपन लोग, लेकिन अभी क्या पुलिस वाले खड़े हैं तो जाने नहीं देंगे। आज ऊपर आ जाओ। दोस्तों भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा लगी है भाई, ये सारी जो आप भीड़ देख रहे हो सारी जनरल क्लास की है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है भाई। लोगों को ठूस ठूस के भरा जा रहा है इस ट्रेन के अंदर, देख लो आप भाई। ये है बिहार की ट्रेनों का हाल, अभी तक बहुत लंबी लाइन लगी है और इस ट्रेन के अंदर ओनली 2 ही कोच है। से बिल्कुल जा नहीं सकते क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इधर साइड से लोग नहीं है, उधर की साइड से लोग किया हुआ, परली साइड से इधर से भी नहीं जा सकते क्योंकि उधर स्लीपर क्लास है, उस साइड से इसको गेट को क्लोज किया हुआ है, देख लो भाई। हालांकि ठीक है ये चीज़, लाइन लगा के सभी लोगों को आराम से बैठा जाएगा, भीड़ भड़ाके में किसी के लग जाए चोट वगैरह कुछ हो जाए तो वो बात अलग है। बाकी अभी तो बहुत कुछ देखने वाला है इस ट्रेन के अंदर, आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब हमारी क्या दशा होने वाली वो चीज़ें भी आप लोगों को पता लगेगी, तो वीडियो को अंदर जरूर बने रहना लास्ट तक। दोस्तों देख सकते हो पैर रखने तक की भी जगह नहीं है ट्रेनों के अंदर, बिल्कुल ट्रेन बिल्कुल फुल चल रही है। तो यार रेलवे को सबसे एक बड़ा काम तो करना चाहिए कि जैसे अब LHB को जब से आ गए ना तो ट्रेनों के अंदर जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेन है उन ट्रेनों के अंदर दो ही जनरल के कोच जोड़े हुए हैं, तो कम से कम 4 कोच तो होने चाहिए। जैसे ISF के अंदर कम से कम 5 कोच होते थे, अब इसमें 2 कोच है तो लोग कैसे ट्रैवल करेंगे। तो मैं डिसीजन लिया कि हम जस्ट इसके पीछे जो स्लीपर वाला डिब्बा उसके अंदर यात्रा करेंगे, लेकिन हमारे पास टिकट जनरल की रहेंगी। तो देखते हैं ये यात्रा कैसी हो पाती है। मैं खुद इस चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट भी हूँ, उस साथ में थोड़ा सा दुखी भी हूँ क्योंकि भाई मैंने ऐसे पहले यात्रा की है लेकिन अब ये 19 घंटे की यात्रा है, समझ नहीं आ रहा कैसी होगी। और आज जो अपने इस ट्रेन को आनंद विहार टर्मिनल तक ले जाएगा वो इंजन है VAP 7 का, गाजियाबाद साइड का लोकोमोटिव। ये आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पे लगा हुआ है गाजियाबाद साइड का लोकोमोटिव, ये लोकोमोटिव है जो आज अपनी ट्रेन को दौड़ाएगा 130 की रफ्तार से। जैसे भीड़ देख सकते हो फुल भरी पड़ी हुई ट्रेन कम्प्लीटली, बैठने तक की भी जगह नहीं। अभी तो बहुत सारे लोग यात्री बाहर है जो इनके साथ के लोग थे, अभी तो वो लोग भी अंदर जाएंगे, बताओ। दोस्तों खाने पीने को लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो पैंट्री कार का डिब्बा लगा हुआ है वैसे ऑलरेडी, और आप ये मत समझना कि हम एसी के सामने बैठे तो एसी के अंदर ट्रैवल करेंगे, जाना वहीं पे है लेकिन बैठे यहाँ पे आराम से, तो कुछ भी हो सकता है। पूरी वीडियो कंप्लीट आप लोग ज़रूर देखना। तो फाइनली दोस्तों ऑन टाइम अपना ट्रेन का निकलने का समय हो चुका है और ट्रेन वैसे बिल्कुल पैक चल रही है, आप हालत देख सकते हो।
ये जनरल क्लास की, जनरल नहीं सॉरी स्लीपर की हालत है, लेकिन जनरल से कम नहीं है भाई। जनरल की हालत देखते हुए हमें स्लीपर में चढ़ना पड़ा, लेकिन यहाँ पे टिकट वही हमारी जनरल की है। देखते हैं क्या कुछ होता है, अगर कोई दिक्कत अगर टीटी वगैरह आएगा तो करेंगे मेंटेन उसके साथ में बढ़िया से। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकल रही अपनी ट्रेन, फुल पैक होकर चल रही है भाई। ये बात तो डेली ट्रेन है लेकिन फिर भी पैक होकर चलती है, मानना पड़ेगा इस ट्रेन को। ट्रेन आ चुकी है अपनी सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पे। अपनी ट्रेन का यहाँ पे टाइमिंग है 12:24 का, और ट्रेन का यहाँ पे 5 का होल्ट है। और होल्ट भाई सच में यार, स्लीपर भी इतना पैक चल रहा है शायद जिसकी कोई बताने की कोई हद नहीं है। अगर हम गेट ना चुने ना तो फंस जाए अंदर है। हाँ सोचो आप, अगर अंदर भी हम बैठ जाए तो ना आप लोगों को कुछ दिखा पाए कॉन्टेंट वगैरह, ना आप लोगों को स्टेशन के बारे में बता पाए, ना कुछ दिखा पाए। तो भाई बहुत ही रिस्की काम है हमारा वीडियोज़ वगैरह बनाना सच में। तो यार बिना लाइक से सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना। और ट्रेन का यहाँ पे ओनली 5 का स्टॉप है। सुल्तानगंज से हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हालत तो आप लोग देख ही पा रहे हो। अगर गलती से हम जनरल के अंदर यात्रा करते तो सोचो हमारी हालत क्या कुछ हो जाती है। तो दोस्तों जमालपुर स्टेशन पे आप लोग भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा हो रखी है। इतनी तो ट्रेन पैक ही है लेकिन अब और ज़्यादा भीड़ चढ़ने वाली है। तो टोटल 54 की दूरी के बाद अपनी ट्रेन आ चुकी है जमालपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे जो अपनी ट्रेन का टाइमिंग था 1:04 का। यहाँ पे 5 का स्टॉप है और मिलते डायरेक्ट आप लोगों को सीधा ट्रेन चलेगी यहाँ से। तो जो ट्रेन का जो क्राउड है ना भाई बिल्कुल भर के चल रहा है, और स्पेशली ये ट्रेन बिहार के लिए चलाई गई तो बिहार के स्टॉपेज बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टॉपेज है बिहार के। दोस्तों जमालपुर से अपनी ट्रेन निकलती है, यहाँ पे टोटली ओनली 5-6 का डिले चल रहा है। चलो इतना ट्रेन अपनी कवर कर ही लेगी वैसे तो। दादा खाने पीने को लेकर कोई कमी नहीं होने वाली, तो हमें ISTC के जो अपना PC रसोईयान है वहाँ से हमने लिए समोसे, तो 30 के हमें 3 मिले हैं। बढ़िया, लेकिन समोसे का टेस्ट सच में 1 का टेस्ट है। बाकी ट्रेन अभी कोई स्टेशन पे रुकी हुई है, यहाँ से चल पड़ी है। पता नहीं चल रहा ना कौन सी स्टेशन आ रही है सामने, वो तो बैठे हुए ऐसी जगह साइड में मालगाड़ी वगैरह आ रही है तो कुछ पता नहीं लग रहा। जो स्टेशन आएगा दिखाने लायक तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे और स्टेशन के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों इस ट्रेन के अंदर अगर महाभारत का युद्ध ही ना हो तो इस ट्रेन का मजा ही क्या। तो देखिए आप लोग इस महाभारत के युद्ध को। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है क्योल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे अपनी ट्रेन का टाइमिंग 2:25 का, और ट्रेन का यहाँ पे ओनली 5 का स्टॉप है। टोटल 98 की दूरी को अभी तक हम तय कर चुके हैं। यह ट्रेन यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निकल, देख लो भाई ऐसी हालत हो रखी है इस ट्रेन की तो। और बाकी मिलते हैं आप लोगों को सीधा ट्रेन का चलने का समय होगा। तो भाई यहाँ से अपने 7 रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है, मिलेंगे डायरेक्टली आपको नेक्स्ट स्टेशन पे। अगर यहाँ से कोई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। स्लीपर का हाल देख सकते हो कैसे बंदे लटक रहे हैं। अभी फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंची लक्की सराय जंक्शन, यहाँ पे अपनी ट्रेन का टाइमिंग है 2:33। 2 बाद ये स्टेशन आ गया वैसे तो। फिलहाल यहाँ से अपनी ट्रेन निकल रही है, भीड़ देख सकते हो भाई।
जो आप ये बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर हो क्या रहा है। ये देख सकते हो आप लोग कि मतलब स्लीपर क्लास को भी जनरल क्लास की तरह बना दिया गया है। और ये महाभारत का युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल नहीं पहुंच जाती। तो इस महाभारत के युद्ध को कंटिन्यू करते रहेंगे और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाते चलेंगे। हर एक चीज़ अच्छा खाने का रिव्यू हो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो को कम्प्लीट लास्ट एंड तक जरूर देखना। तो चलो चलते हैं, करते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू। दोस्तों इस ट्रेन के किराए के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जनरल का जो किराया है वो एक बंदे का भागलपुर से लेकर आनंद विहार टर्मिनल तक 330 रुपये का, स्लीपर का 545, थर्ड एसी का 1460 रुपये और टू एसी का 2100 रुपये और फर्स्ट एसी में ट्रैवल करना चाहते हो तो 3560 रुपये। ये टोटल किराया मैंने आप लोगों को बताया भागलपुर से लेकर डायरेक्ट आनंद विहार टर्मिनल तक का। पहुंची है बाढ़ रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे देख सकते हो क्राउड। भाई हम तो उतर चुके हैं, देखते हैं एंट्री होगी नहीं होगी हमारी अंदर चढ़ने के लिए। ये हालत है इंटरनल की, इतनी देर से बैठे थे खड़े हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रखी है। स्लीपर की हालत देख सकते हो क्या हो रहा है। और एसी की तो मैंने अभी तक आप लोगों को दिखाया नहीं है। किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद अपनी ट्रेन आ चुकी है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। और आप लोग देख सकते हो भाई वीडियो मैं कहाँ खड़ा होकर बना रहा हूँ, मेरा पैर कहाँ पे है और मैं खुद कहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा भाई। अरे ये स्लीपर क्लास की हालत। यहाँ पे ट्रेन का टाइमिंग था 4:55 का और ट्रेन का यहाँ पे ओनली 10 मिनट का स्टॉप है। आपको नहीं पता हो तो बता देता हूँ, पटना बिहार की राजधानी है वैसे तो। मिलते सीधा आपको डिपार्ट्स पर। अभी तो भाई पैक हो लिया सब कुछ, मैंने सोचा कि ट्रेन यहाँ पे खाली होगी लेकिन यहाँ पे भी खाली वगैरह नहीं हो पाई। और स्टेशन भी देख सकते हो भाई फुल भरा पड़ा है। इतना तो समझ में आ गया कि बिहार साइड में जितनी भी ट्रेन आती नई दिल्ली की तरफ सारी फुल भर के चलती है, एक भी ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं है। बताना जरूर जो उनसे खाली चलती है। हाँ। अगर वो ट्रेन खाली हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। 10 से 15 मिनट रोकने के बाद हमारी ट्रेन को पटना जंक्शन से निकाला गया, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह लोको पायलट वगैरह गार्ड्स वगैरह चेंज होते हैं, इसलिए ट्रेन को यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग लग जाता है। तो दोस्तों पटना के बाद में इस ट्रेन का जो होल्ट है वो है आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहाँ पे अपनी ट्रेन का टाइम था 5:45 का। और ट्रेन वैसे अपने ऑन टाइम चल रही है और दोपहर के 12 बजे से हम यहाँ पे बैठे हैं, खड़े हैं, वह जर्नी कर रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों मिलते हैं अपने डिपार्टमेंट सीधा। ट्रेन का वैसे यहाँ पे 5 मिनट का ही होल्ट है और ट्रेन यहाँ से वैसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकलती है। उस चीज़ के लिए सॉरी कि आप लोगों को प्लेटफॉर्म में बिल्कुल नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि देखो हमारी कंडीशन ही ऐसी हो रही कि मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से अगर हम खड़े हुए तो ये लगा लो हमारी सीट ये भी बुक हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से सीट मिली है यहाँ पर और फाइनली हमारी ट्रेन निकल चुकी है। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दिल्ली तक यात्रा कैसे करूँगा यहाँ पे बैठ के। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और ट्रेन को नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे ट्रेन पहुँचेगी आनंद विहार। तो भाई मैं बिल्कुल कन्फ्यूज हूँ कि ये चीज़ होगी कैसे पॉसिबल है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, सारी इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। फिलहाल भाई नज़ारा देख सकते हो रात का, और सबसे बड़ी बात तो ठंड बढ़ने वाली है तो भाई बहुत तगड़े वाली दिक्कत होने वाली है। तो कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के डब्बे देखिए आप,
तो दोस्तों 338 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है बक्सर, जो कि बिहार का आखिरी होल्ट है। इसके बाद यूपी के अंदर हमारी एंट्री होगी। इसके बाद ओनली हमारी ट्रेन के 2 स्टॉप होने वाले हैं। और यहाँ पे जो इस ट्रेन का टाइमिंग था शाम के 6:30 का, ट्रेन का यहाँ पे ओनली 2 मिनट का ही होल्ट है। फिलहाल भाई इस ठंड के अंदर अभी हम यहीं पे बैठे हैं, तो शायद प्लान हो सकता है कि हम अंदर जाए। या सिटी वाले को भी मानना पड़ेगा, इस इतनी भीड़ के अंदर सभी लोगों तक खाना पहुँचा रहे हैं भाई, बहुत इनके लिए भी एक लाइक तो बनता है भाई, मान गए इन लोगों को। दोस्तों अपने पेंट्री कार से हमने थाली वगैरह मांगे बड़ी मुश्किल से, और यहाँ पे गेट पे हम बैठ के गेट के ऊपर बैठ के हम खाना खाएंगे। भाई कैसा लग रहा आज? पूरा ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो हम गेट पे बैठ के खाना खा रहे हैं। बहुत तो देख सकते हो भाई, इसके अंदर ये शायद मिक्स वेज है, पनीर की देख लो अब आलू सब्जी है और दाल है, अपने पास चावल है और बाकी चपाती है, और यहाँ पे अचार वगैरह दिया गया है। दोस्तों खाना वैसे बहुत ही अच्छा था, 80 रुपए की थाली हमें मिली थी। और दोस्तों हमें ट्रेन पहुंच रही है, आप कैसे के बताओ, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। एशिया का जो सबसे बड़ा यार्ड है वो इसी जगह पे, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं एशिया की बात कर रहा हूँ, एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है यहाँ। तो फिलहाल अपनी ट्रेन आ चुकी है पंडित दीन दयाल जंक्शन, इसका वैसे नाम मुगल सराय भी है, लोग मुगल सराय के नाम से स्टेशन को जानते हैं। अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है, वैसे ऑन टाइम चल रही है। यहाँ पे इस ट्रेन का जो पहुँचने का समय है रात के 8:25 का है, और ट्रेन का यहाँ पे ओनली 10 मिनट का ही होल्ट है। ट्रेन यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 7 से निकलती है। इधर ही आ गया, इधर ही दोस्तों यहाँ मुगल सराय से ट्रेन चलने के बाद अब डायरेक्ट अपनी ट्रेन रुकेगी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, मतलब कि अभी टाइम हो रहा 8:30 के समथिंग, और अपनी आनंद विहार ट्रेन पहुँचेगी ये 7:20 पे। तो इन दोनों स्टेशनों के बीच में एक ही स्टेशन आएगा जहाँ पे ट्रेन रुकने वाली, कानपुर सेंट्रल, मतलब कि इस स्टेशन के बाद ट्रेन वो रफ्तार पकड़ने वाली है शायद बहुत ही ज़बरदस्त, नॉन स्टॉप ट्रेन चलेगी, अभी शायद राजधानी तक को टक्कर देगी। बस हमारे लिए बहुत दुखद सोचना होगी क्योंकि हम ऑलरेडी अभी बाहर बैठे हैं, तो ठंड के अंदर इस जर्नी को कवर कर रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। और भीड़ सच में कम होने का नाम नहीं ले रही है, हमने सोचा कि भीड़ कम हो जाएगी लेकिन फिर भी भीड़ फुल भर के चल रही है सच में। तो मिलते हैं डायरेक्ट आप लोगों को इस ट्रेन के डिपार्चर पर। फाइनली दोस्तों 8:35 में ट्रेन का खूबसूरत डिपार्चर पंडित दीनदयाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। दोस्तों भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि मुझे गेट के सामने से खड़ा होना पड़ गया, और खड़े होने के बावजूद भी मैं आराम से खड़ा नहीं हो पा रहा क्योंकि देख सकते हो ट्रेन ही बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रही है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको इस ट्रेन के अंदर कभी भी यात्रा करनी है तो स्लीपर में भूलकर भी टिकट मत कराना, क्योंकि इसकी स्लीपर की जो हालत होती है वो जनरल डिब्बे के बराबर ही होती है। कोशिश करो कि इस ट्रेन के एसी के अंदर ही यात्रा कर पाओ, क्योंकि देखो डेली ट्रेन है, ये ट्रेन रोज़ाना फुल भर के चलती है, इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। देख लो भाई गेट बंद कर दिया वैसे, और फिलहाल पड़े आराम से, अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30, तो मिलेंगे डायरेक्टली आप लोगों को सीधा सुबह। मज़ा आ रहा है, तकड़ा खराब हुई पड़ी है, देख सकते लोग कोई कैसे सो रहा है, ये भाई साहब इस बैग के साथ लटके खड़े हैं, और अंदर का माहौल कुछ ऐसा है ट्रेन का, अधिकतर लोग सो चुके हैं, बस हमारे जैसे लोग जग रहे हैं। दोस्तों बोलते हैं ना कि नींद एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को कहीं पे भी सुला देती है, तो देख सकते हो मैं फिलहाल गेट के सहारे ले गए, एक दूसरे का सहारे लेकर सभी लोग यहाँ पे सो रहे हैं, इसके कारण मैं भी यहाँ पे सो गया। दोस्तों देख सकते हो रात को लोग कैसे कैसे सोते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बस कुछ पल हो रहा है उसके बाद नीचे गिरने वाले हैं ये। थोड़ा सा समय और दीजिए, बहुत ही खतरनाक दृश्य देखने का मिलेगा आपको। कि वैसे जर्नी के अंदर बहुत ही मज़ा भी आ रहा है, ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे ट्रेन के अंदर, मतलब भाई पूछो मत, हमारी सोने की
सो मतलब बैठे कैसे थे और बैठे बैठे कैसे लेट गए, मैं खुद कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आया। अभी फिलहाल 12 बज रहे हैं और ट्रेन अपनी कुछ समय पश्चात कानपुर पहुँचने वाली है, और कोई ट्रेन निकल रही है अपनी साइड से, लेकिन ट्रेन भाई अपनी पूरी रफ्तार से चल रही है 130-140 नॉन स्टॉप। सबसे बड़ी बात, आप लोग पूरी फिल्म देखिए भाई, और देखो सभी लोग वैसे सो चुके हैं, बस एक भाई ये है जो खड़ा है अभी, बाकी सभी लोग कोई बैठे बैठे सो गया, कोई खड़े खड़े सो रहा है, लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ एक अलग ही है। इनका तो समझ ही नहीं आ रहा बैठे या लेट रहे। टैक्निक कहते हैं सर, निंजा टैक्निक, ये है इनकी निंजा टैक्निक। भाई क्या कर रहा है, पंखा चालू कर, ये गलत काम मत कर यार। देख तू क्या बात है, खड़े होने की सलाह दी क्या, मौत क्या आएगा। हाँ मैं टिकट वाला कौन सा है, चाय वाला भी आ गया। क्या बात है भाई, जाओ जाओ आराम से अपने ही टॉयलेट आराम से। अरे कोई नहीं टॉयलेट जाओ, ना कोई ना इसी में जाओ, टिकट की एंट्री नहीं है। अरे टोकन कटवा जनरल वाला, टिकट का टिकट का, और हटियो रे भाई थोड़ा साइड दियो, बड़े खतरनाक सदस्य आ रहे भाई। और भाई और भाई तो पैर ही पिचका देगा भाई, तू पैर हटा ले। 12 बजे ने लिए मुतवास ले गए, यही तो सिस्टम है भाई। सबसे बड़ी दिक्कत तो टॉयलेट वॉशरूम वगैरह यूज करने के लिए आ रहे हैं, वो आएंगे, एक गया दूसरा आ गया। तो ऐसा दिखता है कुछ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, शायद ये बाहर करने जा रहा है, और अपनी ट्रेन आ चुकी है वैसे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। 780 किलोमीटर की दूरी को हम तय कर चुके हैं, और यहाँ पे जो अपनी ट्रेन का टाइमिंग था वो था सुबह के 1:05 का, हालांकि रात हो रही है तो नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट हो चुका है। वैसे दोस्तों ट्रेन का यहाँ पे ओनली 5 का ही स्टॉप है, तो सर्दी वैसे बहुत ही ज़्यादा हो रखी है, आप लोगों ने देखी हालत हमारी कैसी हो रखी है, तो स्लीपर की ये हालत है इस ट्रेन के अंदर। तो आप लोग इस ट्रेन के अंदर ट्रैवल करने से पहले मतलब बहुत बार सोचे अगर स्लीपर पर भी यात्रा कर रहे हैं, स्लीपर में अगर आप रिजर्वेशन भी करवा रहे हैं तो रिजर्वेशन वालों को भी सीट नहीं मिल पा रही अच्छे से, एसी में कराए अगर इस ट्रेन के अंदर आपको ट्रैवल करना। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रेनें जिनमें आप ट्रैवल कर सकते हो, कि हमारे साइड से निकल रही है प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि प्रयागराज और आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलती है। कमेंट बॉक्स में बताना कि इस ट्रेन के अंदर जर्नी करनी नहीं करनी, या बता सकते हो अगर कोई ट्रेन जर्नी है जो मुझे करनी चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं वो ट्रेन जर्नी करूँगा। एक हफ्ते के अंदर कोशिश करूँगा कि जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ट्रेन जर्नी करोगे अगर वो मेरे मैनेजमेंट में होते तो मैं उस ट्रेन जर्नी को ज़रूर कवर करूँगा। तो टाइम हो रहा है 1:22, ट्रेन वैसे यहाँ पे 15 रुकने के बाद हमें निकल चुकी है। 15 इसलिए रुकी क्योंकि लोको पायलट वगैरह गार्ड्स वगैरह सब चेंज हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी 6 से लगातार चल रही थी। अब डायरेक्ट हमारी ट्रेन रुकेगी आनंद विहार टर्मिनल, नॉन स्टॉप 450 किलोमीटर चलेगी। अब तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि बारिश हो रही है ना, बारिश तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पानी वहीं पे है, सफाई हुई है। हाँ सफाई हुई है, नहीं सफाई नहीं, वो दोनों की सफाई हुई, सफाई हुई है ना पानी की, ये तो ओस पड़ रही है ना। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे 4:30 और अलीगढ़ अभी आस पे चाय, बड़ी तगड़ी नींद आ रही थी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो नींद बहुत ही ज़्यादा आ रही थी सुबह सुबह, और ठंड भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है भाई। हमने यहाँ पे चाय बहुत ही खतरनाक वाली, लेकिन IRCTC वालों को मारना पड़ेगा भाई, इतनी भीड़ के अंदर अभी यार सभी लोगों तक सामान पहुँचा रहे हैं। कहाँ पहुँच गए ट्रेन, नहीं पता कहाँ पहुँच गई ट्रेन, पहुँचने वाली कितना बजे। मॉर्निंग दोस्तों, फिलहाल अभी हम आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन से बस 15-20 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हैं, और भाई सुबह का मौसम देख सकते हो कितना प्यारा हो रखा है, इतनी ज़्यादा हो रखी है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, तो मौसम भी वैसे बहुत ही प्यारा हो रहा है सुबह का, मॉर्निंग का सनराइज देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है।
फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं 1207 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद आनंद विहार टर्मिनल, जो कि इसका डेस्टिनेशन पॉइंट था। फिलहाल हमें ट्रेन 2 घंटे की डिले के साथ में चल रही है। रीज़न आप लोगों को बताइए कि कोहरा वगैरह बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, वरना भाई कानपुर में तो बिल्कुल ट्रेन ऑन टाइम पहुँची थी। कोहरे की वजह से ट्रेन यहाँ पे थोड़ी सी डिले हुई है 2 घंटे की देरी से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कहना थोड़ा चलता ही है जी। दोस्तों इस ट्रेन का यहाँ पे जो पहुँचने का समय था वो था 7:20 का। और बाकी आप लोगों को यात्रा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो हमारी तो हालत ख़राब हो चुकी थी वैसे, लेकिन ये पता लगा कि बिहार की ट्रेन है सच में भाई बहुत ही ज़बरदस्त फुल भर के चलती है। और कोई जर्नी करनी हो, आप लोगों को डिसीजन हो कि भाई ये आप जर्नी करो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मिलते दोस्तों कैसी खूबसूरत यात्रा के अंदर।